हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में। उनके बीच में अटूट प्रेम था और उन्होंने इस धरती पर प्रेम का सही अर्थ बताया था। श्री कृष्ण ने कहा है, सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। समय देख कर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जो आपको कहना है और आप कह नहीं पाते उसी को सरल भाषा में प्रेम कहते हैं। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, जो चले गए वो अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। जब किसी के साथ भूत वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं पसंद है। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। सब कुछ झूठा हो सकता है मगर प्रेम में बहाए आंसू नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हरेक को मिलता है, बस जो सह जाता है वो प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हरेक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ है सभी सुख दुख और मोह से परे रहना। शादी के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। प्रेम एक पिंजरा है जहाँ सिर्फ प्रकाश से प्रकाश दिखाई देता है, परछाई नहीं। प्रेम मानवता का दूसरा नाम है। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है, और जहाँ दो हृदय मिल जाए वहाँ प्रेम जन्म लेता है। इस दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, अगर वो मुरझा जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे कुछ सीखा ना जाए। प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जग उठती है कुछ कहानियाँ, कुछ संघर्ष इच्छाएं यात्राएं, और सभी कहानियाँ संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती, और कुछ यात्राएं रह जाती है अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा था, कुछ मानेंगे दृढ़ निश्चय नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कंधों पर डाल देंगे। परंतु इन सबका कारण केवल एक तत्व की कमी है, और वो कमी है ढाई अक्षर की, जो है प्रेम। प्रेम ना शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, ना शास्त्रों के बल में, ना पाताल की गहराइयों में, ना आकाश के तारों में। तो ये प्रेम है कहाँ, कैसे पाया जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी वस्तु को बांध सकने के लिए किसी बंधन का, किसी रस्सी का होना आवश्यक है, परंतु इस रस्सी को बांध सकने का शक्ति कौन देता है? वो धागे जिनसे टूटकर ये रस्सी बनी है। अब बताइए, प्रेम को किस रस्सी से स्वयं तक बांधेंगे आप? प्रेम बनता है विश्वास से, और विश्वास की डोरी के धागे सत्य के धागों से बुने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सत्य क्या है? वो जो हमने देखा, वो जो हमने सोचा? नहीं, हमारा सत्य वो है जिस पर हमने विश्वास कर लिया, और विश्वास वो जिसे हमने सत्य समझ लिया। वास्तविकता में सत्य और विश्वास एक ही सिक्के के दो छोर हैं। जहाँ सत्य नहीं वहाँ विश्वास की नींव नहीं, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ सत्य अपना धरातल खो देता है। तो यदि किसी को सत्य जानना है तो विश्वास कीजिए, प्रेम का धरातल बन जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा।
जब प्रेम की बात आती है हम सबसे पहले मन में एक नायक और नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर नहीं लिखा जा सकता जिस पर पहले से बहुत कुछ लिखा हो। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग करना होगा, अपने मन से व्यापार हटा दो तभी प्यार मिलेगा। प्रेम विधाता की सबसे सुंदर कृति है, परंतु हर कृति को संभालना पड़ता है। जब प्रेम की बात आती है तो लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं, ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रूकुटी, घने केस, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, यह उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है क्योंकि वह उसे अपने तन की आंखों से देखता है, पर संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझता है क्योंकि वो भाव से देखता है। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे ही पहचान नहीं पाओगे जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को पाना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो राधे ही राधे। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। सब कुछ होने के बावजूद भी वह खुश नहीं रह पाता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुजी, मुझे सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत और लगन से काम करने की सलाह दी थी, मैंने वैसा ही किया और आज मैं अपने जीवन में सफल हूँ। मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा और ऐसो आराम के सारे साधन हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता था सफलता प्राप्त कर लेने से सुकून मिल जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में वो सुकून नहीं है। मैं खुशी और सुकून से भरा जीवन चाहता हूँ गुरुजी, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए घर के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में 3 गेंदें थी, एक गेंद कांच की, एक चीनी मिट्टी की और एक गेंद रबर की थी। वो गेंदें उस व्यक्ति के हाथ में देकर वो बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। जो गेंद मैंने तुम्हें दी है उन्हें तुम अपने हाथों में लेकर एक के बाद इस तरह उछालते जाओ कि एक समय में कम से कम एक गेंद हवा में जरूर रहे। व्यक्ति उन गेंदों को हवा में उछालने लगा। वह एक गेंद हवा में फेंकता तो 2 गेंद उसके हाथों में रहती। जब हवा में उछाली गई गेंद नीचे गिरने वाली होती तो वह हाथ में रखी गेंदों से एक को हवा में उछाल कर उस गेंद को पकड़ लेता। यह सिलसिला इसी तरह चल रहा था। इसी तरह गुरुजी के कहे अनुसार एक समय में एक गेंद हवा में अवश्य रहती थी। कुछ देर बाद एक ऐसा समय आया जब चीनी मिट्टी की गेंद हवा में थी और कांच और रबर की गेंद उसके हाथ में थी, लेकिन इस बार उसका सही संतुलन नहीं बन पाया और हवा में उछाली गई चीनी मिट्टी की गेंद नीचे जमीन पर गिरने लगी। चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए उस व्यक्ति ने सोचा, जब 2 ही गेंद जमीन में गिरने से बचाई जा सकती है तो चीनी मिट्टी और कांच की गेंद को बचाना ज्यादा सही है। उसने तुरंत अपने हाथ में से रबर की गेंद नीचे गिरा दी और चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ ली। गेंद गिरने से वह दुखी हो गया क्योंकि गुरुजी का बताया गया काम सही तरीके से पूरा नहीं हो पाया। उसने जब अपने गुरुजी को देखा तो गुरुजी ने पूछा, बेटा, तुमने रबर की गेंद क्यों गिरा, चीनी मिट्टी की गेंद क्यों नहीं गिरने दी? उसने उत्तर दिया, गुरुजी, चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया। यदि कांच की या चीनी मिट्टी की गेंद जमीन पर गिर जाती तो वो टूट जाती, लेकिन रबर की गेंद को नीचे गिरने से कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए जब मुझे लगा कि मैं 2 ही गेंद हाथ में संभाल पाऊंगा तो मैंने चीनी मिट्टी और कांच की गेंद को हाथों में संभाला और रबर की गेंद नीचे गिरा दी। ये सुनकर गुरुजी बोले, बेटा, जिस समस्या का समाधान ढूंढने तुम मेरे पास आए थे उसका समाधान तुमने खुद ही निकाल लिया। अब जरा गौर से सुनो, ये 3 गेंदें तुम्हारी जीवन की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। चीनी मिट्टी की गेंद तुम और तुम्हारा परिवार है। कांच की गेंद तुम्हारी नौकरी, व्यवसाय, पैसे और जीवन के आवश्यक साधन है। रबर की गेंद वो विलासिता की चीजें हैं जिसके बिना भी जीवन आराम से कट सकता है, जैसे महंगा मोबाइल, घड़ी, अन्य महंगे शौक। तुमने अपने जीवन में कांच और रबर की गेंद पर ध्यान दिया और नौकरी, घर, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधाओं के सारे साधनों के साथ अपने महंगे शौक भी पूरे किए, लेकिन चीनी मिट्टी की गेंद यानी खुद पर, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि तुम्हें अपने जीवन में खुशी और सुकून की कमी खल रही है। बेटा, जीवन में आगे बढ़ते समय अपनी प्राथमिकता तय करके रखो। जब भी जीवन की 3 गेंदों का संतुलन बिगड़ता सा महसूस हो तो रबर की गेंद छोड़ो, जीवन में खुशियां सदा बनी रहेगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि काम और पैसों के पीछे भागते भागते हम अपने लिए और अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। यही कारण है कि हम खुशी और सुकून के लिए तरस जाते हैं। जीवन में इतना तेज भी क्या भागना कि खुशियां पीछे रह जाए। अपनी प्राथमिकताओं को समझो। आगे बढ़ना और सफल होना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही खुशियां और सुकून भी है। उन्हें नज़रअंदाज ना करें।